किसी ऑर्गेनाइजेशन के काडर ने पूरी रियासत में ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। क्यों? कि लगातार हम 370 जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख रहे थे कि जो पार्लियामेंट ने आपने 5 और 6 तारीख को पास किया था, 106 बिल लाने जा रहे हो, इस यूनियन टेरेटरी में 1,00,000 पोस्टों का SC ST OBC का कोई आपने बताया नहीं, रिजर्वेशन प्रमोशन का आपने कुछ उसमें रखा नहीं, मंडल कमीशन कोर्ट जो 27% पूरे भारतवर्ष में है, यहाँ 2% लागू की थी, उसका आपने न्यू का क्यों रखा है 2%। इन सब चीज़ों को लेके आज हम प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से ये पूछना चाहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, इस यूनियन टेरिटरी में क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे बिल लाए। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डिनेंस रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए पास किया था वो भी यहाँ लागू नहीं किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए 70 साल हुआ SC ST OBC के तबका को लूटते हुए बेईमानी सरकारों ने, और ये जो कारवा है ये जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से हम निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी डिमांड्स है इनको इस यूनियन टेरिटरी में लागू किया जाए और हमारा हिस्सा दिया जाए। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।